हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दादी माँ का चश्मा। दादी माँ का चश्मा, है ना। हो सकता है आपकी दादी माँ चश्मे ना पहनती हों, लेकिन ज़्यादातर जो हैं जिनके बच्चे होते हैं उनकी दादी दादा जो हैं क्या पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि जब अब बुढ़ापा आता है ना, यानी जब बूढ़े हो जाते हैं, है ना, दादा दादी जिस बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम, तो आँखें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। आँखें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनसे फिर दिखता नहीं है ढंग से, है ना, अच्छी तरह से नहीं दिखता है। इसलिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, चश्मा की ज़रूरत पड़ती है ना। अब ये पाठ जो है, इसमें एक कविता दे रखी है, बहुत ही अच्छी कविता है ये, और मतलब हंसाने वाली कविता है ये। आपको इसको पढ़कर के ना बहुत हंसी आएगी, है ना। तो कैसे हंसी आती है? दादी माँ का चश्मा ना एक करिश्मा है, करिश्मा यानी जादू, क्योंकि वो हंसाता है। अब वो आप सोच रहे होंगे, सर चश्मा कैसे हंसा सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। प्रस्तावना, ये क्या लिख रहा है ध्यान से देखो, प्रस्तावना, प्रस्तावना। ओके, तो देखो, बच्चों को अपने दादा दादी से विशेष, विशेष मतलब बहुत ज्यादा, है ना, लगाव होता है। बच्चों को क्या होता है, सबको होता है, सबको अपने दादा दादी अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, आपको भी लगते हैं, है ना। बच्चे अपने माता पिता से ज्यादा अपने दादा दादी का ध्यान रखते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादातर समय जो है ना दादा दादी के पास ही बीतता है उनका, क्योंकि मम्मी पापा तो काम में लगे रहते हैं, मम्मी घर के कामों में लगी रहती हैं, पापा अपने जॉब पे चले जाते हैं या फिर अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, तो घर पे कौन रहते हैं, दादा रहते हैं और दादी रहती हैं, है ना। तो ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ रहते हैं, है ना, उनकी बातें सुनते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, है ना, उनसे सीखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, है ना। आगे देखो, प्रतिबिंब, है ना। इस कविता में हास्य, हास्य यानी हंसी, हास्य कैसे कहते हैं, हंसी को कहते हैं, है ना, और मनोरंजन, ठीक है। इस कविता में क्या बताया गया है, हास्य और मनोरंजन के साथ दादी और बच्चों के परस्पर संबंध को दर्शाया, क्या लिख रहा है, दर्शाया है, मतलब इस कविता के माध्यम से कवि जो है, यानी ये कविता जिसने लिखी है वो कवि क्या बताना चाहता है, दादा दादी, दादी जो हैं और बच्चे जो हैं उनके बीच परस्पर संबंध कैसे होते हैं, है ना, उसको बताया गया है। किसके साथ, हंसी के साथ, हास्य के साथ और मनोरंजन के साथ, कॉमेडी के साथ, है ना। आगे देखो, परिकल्पना, क्या लिख रहा है, परिकल्पना। ओके, उम्र बढ़ने के साथ ही व्यक्ति, क्या लग रहा है, व्यक्ति का मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी दिमाग, है ना, भी काम करना कम कर देता है ना। ऐसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पुरानी, जैसे गाड़ियाँ भी होती हैं या फिर कोई जैसे पुरानी चीज़ हो जाती है ना, तो ठीक से काम नहीं करती ना, हमारा शरीर जो है ना, ये भी गाड़ी की तरह होता है, ये भी मशीन की तरह होता है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो दिमाग जो है वो भी ठीक से काम नहीं करता है पूरी तरह से, है ना। आपने देखा होगा बूढ़े बड़े लोग भूल जाते हैं, है ना, याददाश्त कमजोर हो जाती है उनकी, है ना। अर्थात व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। ओके, पर मैं आपको एक जादू बताऊं, जादू ये है कि अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सीखना अच्छा लगता है ना, तो आपकी याददाश्त ऐसी नहीं होगी, है ना, आपकी याददाश्त पे बहुत कम फर्क पड़ेगा, है ना, कम भी होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। ऐसे समय में उनको अपने बच्चों के सहयोग की ज़रूरत होती है। जब वो याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है, दादा दादी की, है ना, तो क्या होता है,
उन कुछ चीज़ें रख करके भूल जाते हैं, अपना चश्मा भूल जाएंगे, अपनी दवाइयाँ भूल जाएंगे, है ना। तो घर के जो बड़े दूसरे लोग होते हैं, जैसे बच्चे हैं या मम्मी पापा हैं, है ना, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, पड़ती नहीं पड़ती है, पर हेल्प करनी भी चाहिए, है ना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। दादी माँ का चश्मा है ये, ये देखो ये रहा चश्मा, है ना, ये क्या है, दादी माँ का चश्मा है यह है। देखो बड़ा करिश्मा है यह, करिश्मा, करिश्मा यानी जादू, है ना, चमत्कार। अब ये सोच रहे होंगे सर ये चमत्कार कैसे है, इस चश्मे से कैसे जादू होता है ना। तो आपको पता चल जाएगा इस चश्मे से कैसे जादू होता है, बस पढ़ते रहिए ध्यान से। सिर पर कभी चढ़ाकर रखती, है ना, यानी चश्मे को ऊपर लगा लेते हैं ना ऐसे, जैसे दादी माँ ने यहाँ सिर पे चढ़ा रखा है ऐसे, है ना, आप भी लगाते होंगे तो आप भी चढ़ा लेते हो, है ना। फिर हमसे वे पूछा करती, मतलब चश्मे को तो अपने सिर पे चढ़ा लेती हैं, और फिर हमसे वो पूछती हैं, क्या पूछती हैं, किसने अरे छिपा कर रखा, मतलब अब वो पूछती हैं, चश्मे को तो ऊपर लगा लेती हैं, फिर घर के सभी लोगों से पूछती हैं, बच्चों से पूछती हैं, अरे मेरा चश्मा छिपा कर किसने रख दिया। इधर उधर कुछ ढूंढा करती, है ना, पहले तो पूछती नहीं है ना, फिर ढूंढती हैं, चुपचाप लगी रहती हैं, ढूंढती 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 ढूंढती, जब नहीं मिलता है, अरे मेरा चश्मा किसने रख दिया, कहाँ रख दिया, ऐसे पूछती हैं। हम बच्चों की कब सुनती हैं, मतलब हम बच्चों की तो सुनती नहीं है वो, हम कुछ कहते हैं बताते हैं लेकिन वो सुनना ही नहीं सुन चाहती, बस वो ढूंढती रहती हैं, जब नहीं मिलता है फिर पूछती हैं। झूठ मूठ बन जाती बहरी, बहरी मतलब जो सुन, बहरा कौन होता है, जो सुनता नहीं है, जिसको सुनाई नहीं देता, है ना। तो लेकिन दादी माँ झूठ मूठ के लिए कैसे बन जाती हैं, बहरी बन जाती हैं। बहरी कैसे बन जाती हैं, क्योंकि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं है उनकी, तो वो तो बस ढूंढती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, है ना। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, है ना। और इंतजार करिए आगे इस पोइम में क्या होता है, इस कविता में क्या होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, याद आया मुझे, आपको होमवर्क भी तो देना है ना मुझे, तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। आपको होमवर्क में क्या करना है, ये दादी माँ का चश्मा जो है ये आपको पोइम लिखनी है, इस कविता को आपको लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, फेयर कॉपी में। कहाँ तक लिखना है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आप लिखेंगे, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, और इसको याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, ठीक है, और हो सके तो अपनी दादा दादी माँ को सुनाना भी, है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय एंड टेक केयर।